हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और अभी है सुबेरे के 7 बज रहे हैं और जिम मोटिवेशन हम दोनों को पूरी चढ़ गई है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, मेरे को भी। मैं तो पतला हो ही गया था, इसे भी कर देंगे अब धीरे धीरे। तो अभी हम जा रहे हैं जिम और सुबेरे मैंने मैसेज किया कि भाई जल्दी आ जा। कह रहा भाई टट्टी तो कर लूं भाई, पर जरूरी है वो तो जरूरी है। पर भाई मैंने तेरे को मैसेज किया, तूने कहा 10 मिनट दे दो, 10 मिनट में तू पैदल भी बाहर आ गया, तेरे कच्चे में है क्या टट्टी? चार दिन से जिम जा रहा हूँ, जब चौथे दिन फीस की बारी आई ना मैं जाना बंद कर दिया। 2 दिन भी सोच रहा है साला, हर जगह पूरे एरिया में 20 जिम है, 3 दिन जाता है, पूरा महीना कर लेता है फिर छोड़ देता है। तो फाइनली गाइस हमने वार्म अप कंप्लीट कर लिया है और इस वाले भाई ने भी वार्म अप कंप्लीट कर लिया है और ये लगता है अब मुश्किल ही बच पाएगा। सॉरी यार, क्या तो मुश्किल ही बच पाएगा? क्यों मुश्किल है भाई, इसकी हालत कुत्ते जैसी हो गई है। अभी तो नॉर्मल वार्म अप दिया है, अभी तो करना है भाई, तो ये तुझे पतला ही कर देंगे अब। तो अभी हमने शुरू कर दिया वर्कआउट ट्राइसेप का, बाकी आज 2 टाइम जिम जाएंगे, शाम को भी सवेरे भी। अभी ट्राइसेप कर लिया और शाम को आगे करेंगे हम कार्डियो सेशन। तो मिलते हैं आपसे, ट्राइसेप की सारी एक्सरसाइज लग गई है और नाम लिखना था पता। और मेन है कि आज रजत से पहली बार जिम वाले भैया मिले हैं, तो उन्होंने इसका नाम क्या रखा भाई? भाई भैया एंट्री कर रहे, भैया का नाम क्या? रजत। भैया भूल गए वहाँ जाके लिख लेने के, कहता नाम क्या? कहते सुंदर। कहता सुंदर भाई आपकी एंट्री होगी। मैंने कहा एंट्री सुंदर कौन है? तो भाई भैया ने देखते ही नाम सुंदर रख दिया, तो मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने रखवा दिया। ये हमारे भैया हैं, आपने क्या नाम रखा है भैया रजत का? सुंदर। ठीक है समझिए, किसने कहा था आपको रखने के लिए? मैंने तो बताया सुंदर, खुद रखा आपने सुंदर। एक बात बताइए मेरे को, कोई सपने आ रहे हैं? रजत नाम भैया, यार रजत रख लो, लेकिन नाम तो सुंदर ही है ना। आपकी जो मर्जी छुपी हुई है अंदर वो मर्जी। तो भाई तो भाई इसका नाम आज से हो गया सुंदर। वर्कआउट कंप्लीट हो गया गाइस, आज हमने मारे 200 स्क्वाटे, 200 रस्से, 300 चांटे, 2 घुसंड, 80 लाते और हमारा वजन 80 किलो कम हो गया। तो ये भी बैक टू बैक आज हमने सीखने को मिला कि झारखंड के मोमोज दिखाने चाहिए। झारखंडी के मोमोज खा खा के ये भटूरा बन गया है और अब भटूरे खाने लायक भी नहीं रहा है, तो इसका सब बंद करवा देंगे और इसका वजन कम करवा देंगे। तो मिलते हैं गाइस बाद में। तो गाइस अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर पे घुसा हूँ अपने, और मैं काम से गया हुआ था, तो उसके बाद अभी मैं अपने दोस्त के पास जा रहा हूँ, मिलने आए वो मेरे से, और मिलके हम उसके साथ जाएंगे खाने पीने। हम लोकेशन पे, ये है वो दल्ला दोस्त जिसके पास भाई, और ये है तगड़ दल्ला, और आज ये पता नहीं कहाँ से घूम गया, थका थका सा लग रहा है। तो अभी हम खाने पीने जाएंगे और मैं आया हूँ, कहाँ पे है भैया शॉप का है आपकी? 3 नगर में आया हूँ, भैया की शॉप है और भैया बताएंगे अपने बारे में। भाई जी यार बहुत टाइम बाद हमारी शॉप पे, कितना टाइम हो गया भैया आपको? 1-1.5 साल। हाँ 1.5 साल पहले, और आपके 1.5 साल पहले आए थे भैया काम लेने। भैया आपका बहुत चेंज लग रहा है। वो भैया कौन सी वर्कआउट कर रहे थे इस टाइम? भैया मजबूरी भिखारी बना ये करवा देता है, बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस किसी को भी ट्रेंडिंग कपड़े चाहिए हो वो यहाँ पे आ जाए, तोताराम बाजार 3 नगर में, मुझे फ़ोन कर देना, मैं सबको लेके आ जाऊँगा, कमीशन खाऊंगा और कपड़े दिला दूंगा। तो गाइस अभी मैं एक दोस्त से मिल के आ चुका हूँ और मैंने खाना वाना खा लिया था, चाप वगैरह। अब मैं अपने दूसरे दोस्त के पास आया हूँ, वो है ये, क्या नाम है तेरा? चल पारस। पारस काफ़ी गंदा नाम है, क्या करें अपनी पसंद से नहीं रखा किसने। मैं फर्स्ट में आया था एचडी में। हाँ तो फिर फर्स्ट से, तो गाइस हम फर्स्ट क्लास से दोस्त हैं। तो अभी हम रोज आते हैं भाई, पार्क में मिलते हैं। क्यों मिलते हैं भाई? क्या करें और कुछ है ही नहीं। क्या करें और कुछ है ही नहीं, ये तो डायलॉग ही नहीं बैठा। नहीं बैठा यार, अब ऐसे ना रॉ बनानी चाहिए वीडियो। तो रॉ ही है भाई ये रॉ, तो मेरे को सूझ नहीं रहा ना कुछ बोलने। तो भाई आई एम सॉरी बाबू, कुछ भी बोल ले, प्रिपरेशन ही नहीं कराई, प्रिपरेशन ही नहीं करनी, मुंह पे बोला जो बोला। तूने सीधा ही पेपर लिखने बिठा दिया है। चल तू अपने बारे में बता, तू कौन है? कुछ ऐसा खास है नहीं बताने क्या बता? छोड़ो गाइस इसके बस की ही नहीं है, वो वाले भैया है ना हमारे, भैया आप बताओ कुछ यार। वो देखो उनको, आई एम अ बायोमेडिकल साइंटिस्ट। यस ये अपनी लीग से बाहर है जो भी किया था।
दोबारा कर। क्या करूं जो किया था अभी? हाय पहले वाला बढ़िया था यार, वो नहीं हो पा रहा। अब तो तू गंदा लग रहा है, पहले अच्छा लग रहा था। मैं यार पता नहीं, ओम 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 ओम, इतनी गंदी आवाज थी, कोई मिल गया क्या उसकी? नहीं, सुअर है भाई तू तो पक्का ही। गले में कुछ फंसा हुआ है तेरा, मटन चिपका हुआ है लगता है डोसे का, इधर ही मटन का कुछ चिपका हुआ। हाँ दोबारा कर, ओम 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 ओम। भाई बहुत गंदा लग रहा है वाकई में, तोबा तोबा तोबा, बड़े बदसूरत लग रहे हो। घमंड नहीं किया कभी, घमंड नहीं किया, ईश्वर जानता है। क्या जानता है? कि कभी अपना गंदे लगने का घमंड नहीं किया जी। चले 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 ले चले, पागल हो गया, कोई फायदा नहीं है दुनिया में। आपको कोई असर हो रहा है बैल? क्या लग समझ रहे हो, समझ रहे हो? ऐसे लग रहा है मेरी आंखों के आगे यमराज नाच रहा है, मुझे लेने आ गया वो। आपकी लोअर बैक पे तो कुछ असर नहीं होगा, हल्का सा, ये तो काफी नोना काका, बहुत हल्का, ये बदला ले रहा है भाई, पार्टी का बदला है। कैसी लगी राइड? आई एम अ राइडर प्रो, आई वांट टू राइड समथिंग एल्स। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नॉटी हो रहा है मैं। क्या दोबारा बोलिए? नॉटी हो रहा है। आगे आगे भी यार बोल दे, बोल दे, शर्मा मत, चूती गंदा बोल ले। हाँ बहुआ बोल ले हूँ, बहुत मजा आई। तो भाई प्रथम जी क्या हुआ आज? आज मैं लेने गया था इनको पार्टी। किस चीज की? आपके एडमिशन की। अच्छा अच्छा, इनका डिक्सार में एडमिशन हो गया। डिक्सार की डिप्सार? डिक्सार। अच्छा डिक्सार, चलो। और फिर क्या हुआ? सीपी में हम पार्टी देने गए। अच्छा, इंडियन कॉफी हाउस। ओ काफी अच्छी जगह गए थे। स्कूटी इनको मैंने 10 बार ही समझाया, पार्किंग में लगा दो 10-20 रुपए के चक्कर में, बड़ी चोट से बच जाओ। और इनको बड़ी चोट का हमें पूरा पूरा मजा लेना था, बहुत मजा। ये लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 100-200 रुपए चलान होगा, लेकिन था 500 रुपए का फाइन। 600 रुपए की पार्टी ली और 500 रुपए स्कूटी के चलान में। तो और प्रथम वही खुश हो रहा होगा, अब बोल अब लेगा पार्टी मेरे से। तो यार मेरे को पहले मना कर देता। क्यों? उसने समझाया कि 20 रुपए बचा ले भाई पार्किंग। मेरे को पार्टी देने से मना कर देता। बताओ यार, अंदर से आए लगी तू भांजा है ना इसका, और ले भांजे से पार्टी लेगा? नहीं अब नहीं लूंगा भाई, मैं अगर कहूंगी कंस का हाल बुरा ही होता। हाँ ये कंस मामा ही है, कंस और गंदा एकदम भटूरी शक्ल का। तो गाइस अभी मैं जिम से अभी बिल्कुल फिलहाल आया ही हूँ, तो मेरे को भूख लग रही है बहुत तेज। बट मुझे घर में आके पता चला है कि मुझे अपने घर वालों के साथ जाना पड़ेगा मूर्थल पराठे खाने। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर डाइट लूँ, बट ये मेरे को प्रॉपर डाइट करने नहीं देंगे। बट मेरा भी जी ललचा गया, तो मूर्थल के पराठे तो खाने जाने ही पड़ेगा गाइस, डाइट के ही पहाड़ में खाओ पियो मौज लो। तो अभी घर से निकल गए हैं गाइस, और यहाँ गाड़ी वाड़ी में बैठ गए हैं अपना, निकल के अब जाते हैं मूर्थल, फिर दिखाते हैं आपको पराठे पराठे। आपको खाने हैं तो आप भी आ जाओ, ये सब कहने वाली बात होती है फॉर्मेलिटी वाली, बट कोई नहीं हम तो खाएंगे। तो मिलते हैं फिर आपको मूर्थल जाके। तो गाइस अभी पहुंच गए हैं, प्लान में चेंज हो गया है, हम सुखदेव नहीं गए हैं, हम पहुंच गए गुलशन दे ढाबे पे। हमें पागल बना के लेके आए मूर्थल हमारी। तो गाइस फाइनली हमने यहाँ पर खाना पीना कर लिया है, यहाँ पे गुलशन ढाबा पे। भाई ये बच्ची ऐसी है, इसने सारी सौंफ खा ली है और कह रही है मैं डबियाँ घर लेके जाऊंगी, फिर स्कूल में अपने दोस्तों को दिखाऊंगी कि। और इसका एक दोस्त भी है नीचे, ये रहा। ये मट्टी चोर, तुम बदतमीजी कर रहे हो यहाँ पे? नहीं, सारी सौंफ चुरा ली ना तूने, ये देखो ये देखो ये चोर की। क्या कह रही है बताइए? मुझे इतनी भूख लगी है, मैं मसाले भी खा लूं। मसाले भी, ये भिखारी मसाले भी खा जाएंगे, ये भाई आने भिखारी। तो डाइट पे था, तो डाइट में मैंने लिया आधा परोठा और मक्खन और एक रोटी, आधा नान, थोड़ी सी सब्जी और एक पिज्जा का स्लाइस खाया है। तो डाइट मैंने प्रॉपर रखी है और आगे से मैं फॉलो करूंगा इसे। तो मिलते हैं घर जाके, पहुँच के आपके पास करते हैं। तो फाइनली गाइस अभी सारा प्रोग्राम जो भी था वो निपटा के खा पी के पूरा टन हो गया पेट। अभी मैं घर वापस आ गया हूँ, एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक यू फॉर शोइंग सो मच ऑफ लव, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।